नॉर्वेजियन पीपल्स एड ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। यह खुलासा उपयोग करने वाले परमाणु हथियारों को लेकर है। क्या परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई है? क्या है सच, क्या है अंदर की बात? देखते हैं यह रिपोर्ट। नॉर्वेजियन पीपल्स एड ने एक रिपोर्ट में बताया है कि 2022 में उपयोग करने योग्य परमाणु हथियारों के भंडार में 130 से अधिक की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में परमाणु हथियारों से मानवता को होने वाले खतरे की प्रति आगाह किया गया है। गैर सरकारी संगठन नॉर्वेजियन पीपल्स एड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के शुरुआत में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या 9,576 तक पहुँच गयी, जो पिछले साल 9,440 थी। न्यूक्लियर वेपन्स बैन मॉनिटर रिपोर्ट में कहा गया है कि हथियार बंद परमाणु शक्ति 1,35,000 से अधिक हिरोशिमा बमों की सामूहिक विनाशकारी शक्ति के बराबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और रूस द्वारा हर साल अपने कुछ पुराने हथियारों को हटाने के कारण हथियारों की कुल संख्या में कमी आई है। हालांकि जिस गति से नए आधुओं का निर्माण किया जा रहा है, उनकी संख्या शीघ्र ही सेवामुक्त किए जा रहे हथियारों की संख्या से अधिक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।